नमस्कार, ब्रेकिंग फास्ट समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम फिर से एक विशेष कार्यक्रम लेके आए हैं, जो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा अलग, हम समाचार से भी अलग कुछ करें, कुछ अलग दिखाएं जो आपके दैनिक जीवन में काम आ जाए। और एक फिर से इसी उद्देश्य से एक और हम कार्यक्रम लेके उपस्थित है, और मैं फिलहाल उपस्थित हूँ खेतांश में। और जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, खेतांश में मैं उपस्थित हूँ। और जैसा कि मैं स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा, जो वन स्टॉप फर्निशिंग सॉल्यूशन है, जो यहाँ देखा जा रहा है कि काफ़ी खास जो चीज़ें हैं यहाँ उपलब्ध है। और मैं उन जो फर्निशिंग के लिए जो सामान जो उपलब्ध है, ख़ास तौर पर यहाँ जो व्यवस्था किया गया है जो ग्राहकों के लिए या जो यहाँ कस्टमर जो आते हैं उनके लिए, वो मैं दिखाने के लिए आज उपस्थित हूँ। और मैं जो अनिरुद्ध है, जो इस दुकान के जो ओनर है, उनके पास आऊँगा और थोड़ा मैं उनसे जानकारी लेने का कोशिश करूँगा कि क्या क्या यहाँ उपलब्ध है। मैं आपका सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच रंजन जी, आप आए हम लोग का दुकान में। जी अनिरुद्ध, मैं सबसे पहले थोड़ा मैं जानकारी लेना चाहूँगा, जो फ्रंट में जो है यहाँ क्या क्या खास मतलब ब्रांड है या क्या क्या चीज़ें जो है उपलब्ध है, और यह जो खेतांश है एक्चुअली, चूँकि फर्निशिंग के लिए बेसिकली यह दुकान आप लोगों ने शुरू किया है। बेसिकली हम लोगों का दुकान 60 ईयर्स पुराना है और खेतांश का करीब करीब 36 ईयर्स हो चुका है। और हम लोगों का बेसिकली वन स्टॉप सॉल्यूशन है, फर्निशिंग हो, फर्नीचर हो, चाहे होम डेकोर हो। बेसिक आप जहाँ पे खड़े हो, ये पूरा लिनन सेक्शन है। यहाँ पे बेडशीट, पिलो कवर, मैट्रेस प्रोटेक्टर वगैरह जो भी है, और प्लस आपका सीनरीज हो गया, डोरमैट हो गया, कुशंस हो गया, पिल्लो हो गया, ग्रास मैट वगैरह, उस सेक्शन का फ्लोर है। कौन कौन से ब्रांड के बेसिकली यहाँ? हम लोगों के पास काफ़ी सारे ब्रांड्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम डी डेकोर इन लिनन, बॉम्बे डैंग हो गया, रेमंड हो गया, उसके बाद आपका ट्रिडेंट हो गया, ट्राइडेंट हो गया, वेल्सपन हो गया, और काफ़ी सारे ब्रांड्स है। पिल्लो में भी स्प्रिंग एयर है, ब्लैंकेट में मॉन्टे कार्लो है, काफ़ी सारे ब्रांड्स हम लोग डील करते हैं। जी अंदर भी जाऊँगा और अंदर क्या क्या यहाँ उपलब्ध है मैं वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा, और अंदर का मैं दृश्य आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह क्या क्या यहाँ उपलब्ध है। और सबसे पहले यहाँ जो सामान है, यहाँ क्या क्या उपलब्ध है, मैं वो आपसे जानना। ये हम लोगों का इन स्टॉक कर्टेन का सेक्शन है। इसमें हम लोग के पास कर्टेन शेयर, ब्लैकआउट, डिमाउट, और कर्टेन से भी वेरियस जो भी प्रिंट्स रहते हैं उसका ये फ्लोर है। इसमें आप देख सकते हैं कि हम लोगों के पास मोर देन 8 to 10 पैटर्न्स ऑफ स्टिचिंग है, जो कि आपको जल्दी से कहीं नहीं मिलने वाला है। ये सारा स्टिचिंग हम लोग का इन हाउस है, और इसके साथ हम लोग का पैलमेट सेक्शन भी है। हम लोग उसमें भी 5 to 6 टाइप्स ऑफ पैलमेट जो स्टिच करते हैं, हम लोग उसमें भी डील करते हैं। ये बेसिकली स्कूल वगैरह में लगता है, स्टेज वगैरह में, ये पैलमेट सेक्शन ये उसके लिए है। आगे भी क्या क्या अवेलेबल है वो भी मैं आपसे थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश करूँगा। अनिरुद्ध, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ मैं अंदर जो देख रहा हूँ, कैटलॉग, ढेर सारे कैटलॉग है, सैकड़ों की संख्या में कैटलॉग यहाँ देखा जा रहा है। कैटलॉग तो कितने लगभग होंगे? काफ़ी संख्या में देख रहा हूँ कैटलॉग यहाँ। हेलन जी, आपको एक बात बताना चाहूँगा, आपने ये बात पूछा है, तो जितना वैरायटी हम लोगों के पास है, शायद आपको मेरे पास देखने के बाद आपको नेक्स्ट गुवाहाटी ही जाना पड़ेगा। मेरे पास 3 कैटलॉग रूम है और मोर देन 40,000 वैरायटीज़ है, या उससे भी ज़्यादा ही होगा मेरे पास। कितना बोले? 40,000 वैरायटीज़ से भी ज़्यादा ही होगा मेरे पास कैटलॉग, कम से कम नहीं करके भी 1,000 से ऊपर होगा। इतना मेरे पास कैटलॉग्स इन शॉप है मेरे पास। कैटलॉग्स में जितने जो डिज़ाइन है सभी उपलब्ध है? नहीं, ये अगेंस्ट ऑर्डर ही आता है, ये कंपनियों के पास रहता है, ये हम लोग इनको ऑर्डर देकर हम लोग कट पीसेस में मंगा लेते हैं, तो वो वैसे ही आता है ये फैब्रिक। फिर भी ये कैटलॉग्स जितना मेरे पास वैरायटी में है, ये जितना मेरे पास है, ये शायद आपको यहाँ नहीं मिलने वाला है, ये आपको नेक्स्ट गुवाहाटी ही मिलेगा, जो मेरे पास जितना वैरायटी है। 1,000 से भी ज़्यादा। जी हाँ, और जैसा कि इन्होंने कहा, 1,000 से भी ज़्यादा यहाँ कैटलॉग उपलब्ध है, और डिज़ाइन जो है लगभग 40,000 से भी ज़्यादा इनके पास जो वैरायटीज है उपलब्ध है। छोटा सा हम लोगों ने प्लेग्राउंड सेक्शन बना रखा है, ये इंडोर के लिए है, आउटडोर के लिए भी जो है उसे भी हम लोग डील करते हैं, वो अगेंस्ट कैटलॉग हम लोग दिखा देते हैं। अंदर जो है, अंदर का भी दृश्य आपको दिखाते रहूँगा, अंदर का दृश्य भी मैं दिखाना चाहूँगा, और यहाँ क्या क्या उपलब्ध है अंदर दृश्य में जाना चाहूँगा। ये हम लोगों का होम डेकोर का सेक्शन है,
ये होम डेकोर फ्लोर है, इसमें आपका डोरमैट हो गया, बेड साइड रग हो गया, वॉल हैंगिंग, शो पीसेस, सीनरी, और उसके बाद कर्टन फैब्रिक्स भी बहुत सारे काफ़ी यहाँ पे भी है, फ्लावर पॉट्स वगैरह हो गया, जो भी होम डेकोर से रिलेटेड आइटम्स है, कुशन कवर्स वगैरह, वो सारे शैंडलियर बोलते हैं इसको, शैंडलियर भी अवेलेबल है हम लोगों के पास जी जी। आगे भी जो और एक रूम है और एक जो दुकान का जो पार्ट है वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। और यह जो खेतांस का जो शोरूम है, काफ़ी बड़ी एक शोरूम माना जाता है तिनसुकिया में खासतौर पर। अगर यहाँ आप अगर आते हैं तो शायद ही एक सामान अगर खरीदने आते हैं तो एक ही लेकर जाएंगे, शायद ही मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ इस तरह के वैरायटीज़ उपलब्ध है कि एक सामान अगर आप खरीदने आ रहे हैं तो शायद यहाँ की जो चीज़ें हैं या जो प्रोडक्ट है, जो क्वालिटी है, या जिस तरह का फैशनेबल जो आइटम्स यहाँ मैं देख रहा हूँ, शायद ही आप सिर्फ एक से संतुष्ट होंगे खरीद कर। यहाँ क्या उपलब्ध है मैं जानना चाहूँगा? ये रेडीमेड कर्टन का सेक्शन है, ये रेडीमेड कर्टन रेडी है, जिसको अगर कोई को रेडी लेना है, कोई का स्टैंडर्ड साइज़ रहता है, तो वो रेडीमेड कर्टन भी प्रोक्योर कर सकते हैं। ये रेडीमेड कर्टन और रेडीमेड शेयर का सेक्शन है। जितना भी मेरे पास वेराइटी है वो सारा अपडेटेड है, और जो अप टू डेट जो आज का वेराइटी चल रहा है वो मेरे पास इन स्टॉक रहता है। और क्योंकि मेरा स्टिचिंग भी इन हाउस है, तो मेरा क्वालिटी और डिज़ाइनिंग को लेकर या फिनिशिंग को लेकर मेरे को कोई इशू नहीं आने वाला, प्लस मैं क्लाइंट को भी उस चीज़ से सेटिस्फाइड कर सकता हूँ। अनिरुद्ध, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, जो वॉलपेपर का डिफरेंट यहाँ जो कि मैं कैटलॉग में मैं तस्वीर देखा हूँ, या जो डिफरेंट जो यहाँ आइटम मैं देख रहा हूँ, थोड़ा इस कैटलॉग के बारे में जानना चाहूँगा कि जो वॉलपेपर जो है स्पेशली कितने वैरायटीज़ के कैटलॉग यहाँ पे है, और क्या क्या बेसिकली जो वॉलपेपर है या कौन से विशेष तौर पर वॉलपेपर यहाँ उपलब्ध है? वॉलपेपर का कैटलॉग हमारे पास काफ़ी सारे हैं, और हम लोग कस्टमाइज वॉलपेपर में भी डील करते हैं कि अगर आपके पास कोई डिज़ाइन है तो आप वो मेरे को डिज़ाइन भेज सकते हो, हम लोग उसको भी वॉलपेपर फॉर्म में बनाकर आपको दे सकते हैं। और इसके अलावा वैरायटी काफ़ी सारे हैं, अलग अलग रेंज के वैरायटी है वॉलपेपर में, टेक्सचर वगैरह, प्रिंट्स जो भी आते हैं, सारा वैरायटीज अवेलेबल है। और हम लोग फिटिंग भी खुद ही करवा देंगे वॉलपेपर, उसके लिए आपको अलग से हेडेक नहीं लेने का है कि फिटिंग के लिए। फिटर्स जनरली वॉलपेपर का मिलने में दिक्कत होता है, या फिर मिल भी जाता है तो इतना अच्छे से लगाता नहीं है। आप देख सकते हो मेरे सामने एक वॉलपेपर लगाया हुआ है, इसमें ये अलग अलग शीट्स में है, ये कम से कम 7-8 शीट्स में वॉलपेपर लगा हुआ है, लेकिन आपको कहीं भी इसका गैप नहीं मिलेगा कि कहाँ पे ये वॉलपेपर नया शीट्स चालू हो रहा है इसका वॉलपेपर का। तो ये पूरा फिनिशिंग से हम लोग लगा देते हैं वॉलपेपर। सोफ़ा का फैब्रिक जो होता है, जो सोफ़ा में लगता है, उस पर हम लोग डील करते हैं। सोफ़ा का फैब्रिक हो गया, उसमें अलग अलग वेराइटी आता है, वेलवेट हो गया, स्वेट लेदर हो गया, लेदराइट हो गया, और टेक्सचर्ड फैब्रिक हो गया, तो वो सब में भी हम लोग कैटलॉग भी है हम लोगों के पास, और खुद स्टॉक में भी है। तो अगर आपको अर्जेंट रहता है तो हम लोग स्टॉक से भी दे सकते हैं, अगर आपके पास 2-3 दिन टाइम है तो हम लोग कैटलॉग से मंगा कर भी आपको दे सकते हैं। कैटलॉग से लेने का फ़ायदा ये रहता है कि आपको वैरायटी काफ़ी सारे मिल जाएंगे, और प्लस आपको बहुत रेंज तक का वैरायटी आपको मिल जाएगा, जो आपको रेंज तक में चाहिए उस रेंज तक का आपको वैरायटी मिल जाएगा। साथ ही साथ आप जिस कैटलॉग रूम में खड़े हो, इस कैटलॉग रूम में हम लोग का पास ब्लाइंड का भी कैटलॉग्स है, हम लोग ब्लाइंड से भी डील करते हैं, मोटराइज्ड ब्लाइंड हो, रिमोट से चलने वाला, फ़ोन से चलने वाला ब्लाइंड हो, या मैनुअल हो, उसमें भी जेब्रा हो गया, रोलर हो गया, रोमन हो गया, काफ़ी सारे जो भी ब्लाइंड का अलग अलग कैटेगरी है या वेरिएशन है, सारे में हम लोग डील करते हैं। यहाँ का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, मैं अपने दर्शकों को शेयर करने के लिए अनुरोध करूँगा? हम लोगों का एड्रेस हो गया ओल्ड रेलवे स्टेशन के ऑपोजिट, 80 रोड, खेतांस, तिनसुकिया, और कॉन्टैक्ट नंबर हो गया 9435571284 और 0374233829। ये बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और ये थे अनिरुद्ध खेतान, और हमने थोड़ी आज जानकारी लेने की कोशिश की, हालांकि मैंने पहले भी कहा कि एक बार में एक एपिसोड में हम जो सारी दुकान की जो चीज़ें हैं दिखा नहीं सकते, इतने बड़ी एक शोरूम है, और आने वाले एपिसोड में और क्या क्या उपलब्ध है यहाँ वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं फिर से कहना चाहूँगा कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ खास चीज़ें, समाचार हम लगातार प्रसारित करते हैं, लेकिन कुछ खास चीज़ें जो आपके दैनिक जीवन में काम आ जाए, या कुछ खास जो शायद आपके नज़र में नहीं आए, उन चीज़ों को आपके बीच लाने की कोशिश करते हैं। और इसी उद्देश्य से हम और एक एपिसोड लेकर आपके बीच उपस्थित हुए,
आने वाले दिनों में इस तरह का जो कार्यक्रम है जारी रहेगा और भी इस तरह की नई नई चीज़ें हम आपके बीच लाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम लेंगे विदाई, आप हमारे साथ बने रहिए, आप देखते रहिए ब्रेकिंग फॉर समाचार।